दोस्तों मैं हूँ बिमल उमराव। इस समय हूँ फार्म पर। शाम का समय है, बकरियां चारा खा रही हैं। दो तीन चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा। एक तो एक बकरी जो खरीद के आई है, बकरी देख सकते हैं खरीद के आई है, आज ही आई है, आज ही हीट पे आ गई है। इसका सारा प्राइस वगैरह बताऊंगा। इसके साथ में एक बच्चा भी है, उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा। शाम के 4:30 लगभग बज रहे हैं, सभी बकरियां खाना खा रही हैं, चारा खा रही हैं। ये बकरी हीट में आई है, इसलिए बकरा अग्रेसिव हो रहा है, चारा नहीं खाने दे रहा है, या बकरी खाने की कोशिश कर रही है पर बकरा जो है उसको खाने नहीं दे रहा है। तो एक चीज़ आप लोगों को ये समझना होगा कि फार्म पे ब्रीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ से बकरी आई है वहाँ पे ब्रीडर वगैरह नहीं था। काफ़ी दिन बाद ये हीट में आती रही होगी, यदि साइलेंट हीट पे आती रही है तो क्रॉस नहीं हो पाई है, या फिर वो लोग समझ ही नहीं पाए कि बकरी हीट में आ भी रही है, या फिर बकरियां कई बार हीट में आती भी नहीं है। तो यदि फार्म में ब्रीडर है तो बकरी तुरंत हीट पे आ जाती है, जैसा देखने को मिला कि बकरी आज ही फार्म पे आई और हीट पे आ गई। आज ही एक बकरी की डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी के टाइम मैं था नहीं, इसलिए वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाया हूँ। पर बकरी ने अभी हाल ही में जेर डाल दिया, मैं अंदर आपको दिखा सकता हूँ। ये बकरी ने जो है अभी हाल ही में बच्चा दिया। बच्चा जो है मैंने घर के अंदर जो है इसे अलग कर दिया, अंदर बंद कर दिया, दूध मैंने पिला दिया। तो बकरी जब भी बच्चा देती है आपको, जो इसका गाढ़ा पीला दूध होता है उसको जरूर पिलाना है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि उसको दूध को फेंक देते हैं, आपको फेंकना नहीं है, उसको पिलाना है। यही दूध जो है सबसे अच्छी इम्यूनिटी पैदा करता है बकरी के बच्चों में, जिससे बकरी के बच्चे बीमार नहीं होती है। और छोटे बच्चों में बहुत अधिक बीमारियां बकरी के बच्चों में लगती हैं, ऐसा मैंने देखा है। अभी बिहार से ही एक लोग हमसे ट्रेनिंग लिए हुए हैं, कंटिन्यू बच्चे मर रहे थे, चार चार पाँच पाँच बच्चे मर रहे थे। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बेहतरीन ट्रीटमेंट बताया गया है। उसका फीडबैक भी मैं आपको दिखाऊंगा, बच्चे भी हो सकता है इसी में वीडियो में लगा दूंगा किस तरह से उनके बच्चे मर रहे थे। तो क्या इलाज किया गया, यदि आप ट्रेनिंग के बैच में जुड़ना चाहते हो तो जल्द ही नया बैच जो है चालू होने जा रहा है। अभी जो बैच चल रहा है वो खत्म होने जा रहा है, तो नए बैच में आप लोग जुड़ सकते हो, नंबर अपना डिस्प्ले पे लगा दूंगा। और आईवी ट्रीटमेंट करना, अभी पिछले ही बैच में एक भाई को आईवी ट्रीटमेंट करना नहीं आता था, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने आईवी लगा लिया और बकरी को बचा भी लिया। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पॉइजनिंग हो जाती है या पेट में पानी भर जाता है, तो पानी निकालना, पानी निकालने के बाद कौन से इंजेक्शन चढ़ेंगे, कैसे आईवी ट्रीटमेंट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सीखना है, मेडिसिन से रिलेटेड सीखना है, बकरी पालन सफलतापूर्वक करना है तो जुड़ सकते हैं। जेर आप लोग देख सकते हैं, इधर बकरी ने डाला है। जब भी बकरी ब्याह जाती है आपको बकरी के पास रहना है। जेर बकरी खानी नहीं चाहिए, बकरी जेर खा जाती है तो कई बार पॉइजनिंग की स्थिति पैदा हो जाती है और बकरी जो है बीमार हो सकती है, क्योंकि कई बकरियां जेर खाती हैं और कई बकरियां नहीं खाती हैं। तो जब बकरी जेर डाल दे उसको आपको फेंक देना है। फेंको, तुरंत दूध पिलाते हो तो बकरी जेर बहुत जल्दी डाल देती है, लगभग 1.5-2 घंटे में डाल देती है। चलिए मैं आप लोगों को बकरी जो खरीद के आई है उसके बारे में भी दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये बकरी जो है खरीद के आई है, और इसी के साथ में एक बच्चा आया है खरीद के। तो अब वो बच्चा देख सकते हो, वो जो बच्चा उधर चारा खा रहा है, तो ये बच्चा इसी बकरी का है, इसी के साथ खरीद के आया है। बहुत कम प्राइस में खरीद के आया है, क्योंकि इधर का प्राइस आप लोगों को पता है बहुत सस्ता प्राइस रहता है। दोनों बकरी और वो बच्चा 8,000 रुपये में खरीद के आए हैं, अक्सर मेरे फार्म पर आते रहते हैं, बेचता रहता हूँ। तो 8,000 में, चूंकि ये खस्सी बकरा है, इसको तैयार करेंगे, अगले बकरीद के लिए तैयार होगा। और पुराने जो बकरे हैं, तीन बकरे जो रह गए थे सेल आउट के लिए, उनके 42,000 रुपये जो है लग गए हैं। एक ये बकरा है, एक वो है, ये ब्राउन कलर का ये वाला, और एक उधर रेड कलर का बकरा जो है वो चारा खा रहा है। ये तीन बकरे जो बकरीद में रह गए थे, चूंकि प्राइस वगैरह सही नहीं मिला था, तो अभी 42,000 लग गए हैं। 50,000 रुपये में मांग रहा था तीनों के, तो अभी नहीं हो पाया। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, बकरी जब भी ब्याहती है, जैसे बकरी ब्याही हुई है तो पीछे आप देखते हैं कि गंदा डिस्चार्ज इस तरह से करती रहती है, तो कई बार क्या होता है मक्खियाँ बैठ जाती हैं। मक्खी बैठने के बाद अंडे रख देती है और कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब भी बकरी आपकी बच्चा देती है, इस तरह से डिस्चार्ज वगैरह करती है,
इसमें आपको क्या करना है, जला हुआ मोबियल, जो काला वाला मोबियल आता है उसको लगा सकते हो। यदि वो नहीं लगाना चाहते हो, आपको गंदा लगता है कि हम इसमें तेल लगाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, जो स्प्रे आते हैं टोपी केयर वगैरह जो स्प्रे हैं, वो दिन में 3 बार मार सकते हो। अच्छी तरह से साफ सफाई करके दिन में 3 बार, 2 या 3 बार मार देना है, जिससे बकरी के पीछे कीड़े ना पड़े। मैंने बहुत हद तक देखा है, जो लोग नए होते हैं ये गलतियां कर देते हैं, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। बाद में फिर क्या होता है, तारपीन का तेल डालो, कीड़े मारो, फिर स्प्रे करो, इस तरह से ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यदि ट्रेनिंग के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के बैच में जुड़ सकते हैं। हाल ही में नया बैच चालू होगा, इसी में मैं आपका डिस्प्ले में नंबर लगा दूंगा, उसके थ्रू व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू, बाय बाय कर लो सभी से, बाय बाय, ये इधर, बाय बाय, नमस्ते।